गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर 8th चैप्टर ऑफ साइंस दैट इज सॉइल. यू विल लर्न अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, काइंड ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, यूजेस ऑफ सॉइल. चार मेन चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जिसमें सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, लेयर कितने होती हैं सॉइल्स की, और यूजेस क्या होता है सॉइल्स का. सो लेट्स स्टार्ट. सॉइल फॉर्मेशन. Our planet is a beautiful place to live on. There are hills, mountain, plains, desert, dry lands and seas. Different varieties of the plants grow on it and different kinds of animals live here. The earth is made up of different kinds of rocks. By the action of the sun, the wind and the rain, these rocks break into small pieces. The acid produced by the roots of the plant also help to break rocks. These small pieces of rocks are carried to other places by running water, moving ice and strong winds. तो जो अपना अपना प्लैनेट है वो ब्यूटीफुल प्लेस है रहने के लिए, मगर जो हिल्स माउंटेन्स बहुत सारी चीज़ें हैं अपने प्लैनेट पे, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं. अर्थ इज मेड ऑफ काइंड्स ऑफ रॉक, बहुत सारे रॉकों से बना हुआ है. बाय द एक्शन ऑफ सन द विंड एंड रेन दीज रॉक्स ब्रेक इंटू, विंड और रेन से जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं रूट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो टू ब्रेक द रॉक. बट स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक कैरिड टू वन प्लेस टू अनदर, एक दूसरे से प्लेस की तरफ से ले जाते हैं, नदी बहा के ले जाती है छोटे छोटे रॉकों कहीं और कुछ वैसा होता है. जैसे आपको दिख रहा है ये बड़ा रॉक है, बारिश और तो पत्थर धूप से भी चटकता है, बारिश से भी चटकता है, तो छोटे छोटे उसमें हो जाता है, फिर और छोटे छोटे उसमें जाती है, तो ये चीज़ें बहा के ले जाती हैं हवा, पानी और ये ग्लेशियर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स. इन दिस वे सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल फॉर्म हो जाता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक से. ईच काइंड ऑफ रॉक गिव्स इट्स ओन टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल, हेंस द काइंड ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ए रॉक फ्रॉम विच formed soil also contains the remains of the dead animals and plants. These decayed matter is called humus. Humus break dark brown or black in color. तो उससे soil form होता है, छोटे छोटे rocks से formed, breaking of rocks से soil formed होता है, और कुछ dead animals और dead plants से भी soil form होता है, तो उसको अपन humus बोलते हैं. Humus dark brown color का होता है, black color का होता है. Come to the next page. Kind of soil. सॉइल इज़ अ डिफरेंट प्लेस आर डिफरेंट इन नेचर. दे आर मेनली फोर काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट नेचर में सॉइल्स होते हैं, जो चार तरीके के होते हैं. ग्रेबल, इट कंटेन्स लार्ज ग्रेन्स, लार्ज ग्रेन्स को कंटेन करता है, विच डू नॉट होल्ड एनी वाटर बिटवीन दैम, जो पानी अपने बीच में होल्ड रोक के नहीं रखता है. दे होल्ड लॉट ऑफ एयर, एयर को रोक के रखते हैं, होल्ड करते हैं. सैंडी सॉइल इज अ ग्रेश ब्राउन इन कलर एंड हैज अ बिग ग्रेन्स एंड सैंड पार्टिकल्स. इट इज़ अ रफ इन टेक्स्चर, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एयर बिटवीन दैम. इफ यू पोर वाटर ऑन सैंडी सॉइल द वाटर विल रन थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, देयर फोर सैंडी सॉइल हैज अ पुअर वाटर रिएटिंग कैपेसिटी. सैंडी सॉइल ग्रेश का ब्राउन कलर का होता है, जिसमें ब्रिक ग्रेन्स होते हैं सैंड पार्टिकल्स के, मगर ये ना लॉट्स ऑफ हेयर को होल्ड करके रखता है, बीच में पानी को नहीं रखता है, इसलिए वो पुअर रहता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी में. क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, दे स्टिक टूगेदर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन इन सॉइल इट्स सॉइल पार्टिकल, देयर फॉर वाटर कैन नॉट फ्लो इट. दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज वेरी लिटिल लेयर, इसमें बहुत लिटिल लेयर होती है क्ले में. क्ले सॉइल इज अ गुड फॉर मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एंड टॉय. क्ले से पॉट्स बनते हैं, ब्रिक्स बनते हैं और टॉयज बनते हैं. क्ले के आपने टॉयज देखे होंगे, और मटके वगैरह मिट्टी के बनते हैं, वो क्ले के द्वारा ही बनते हैं, जो सुंदर सुंदर बांस होते हैं ना, वो फ्लावर बेस होते हैं. लोमी सॉइल, लोमी इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. लोमी सॉइल होता है, वो मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और ह्यूमस का. लोमी कैन होल्ड बोथ ऑफ एयर एंड वाटर, बहुत दोनों को होल्ड करके रखता है, एयर एंड वाटर को. एस इट इज़ रिच इन ह्यूमस, द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ बेस्ट सुटेटेड फॉर द ग्रो ऑफ प्लांट. ये ग्रो ऑफ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. लेयर ऑफ सॉइल, पुट सम गार्डन सॉइल इन अ बॉटल, आपको गार्डन सॉइल बॉटल में रखना है, पोर वाटर इन इट, वाटर को पोर करना है, कवर द वाटर विद लिड एंड शेक इट. आफ्टर सम टाइम यू सी द डिफरेंट लेयर्स इन बॉटल, आपको डिफरेंट लेयर बॉटल में दिखेगी. एट द बॉटम विल बी सम स्मॉल स्टोन कॉल्ड ग्रेबल, देखो आपको इसमें दिख रहा होगा, अपन ने गार्डन की जो सॉइल ली, बॉटल में पोर कर दी थी, उसमें पानी डाला था, फिर उसको लिड को बंद करके शेक करा था, तो अपने को डिफरेंट लेयर्स देखने मिलेगी. सबसे पहले आपको मिलेगी ग्रेबल देखने, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड देखने मिलेंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे आपको क्ले दिखेगी फाइन पार्टिकल्स से, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको फ्लोटिंग करते हुए ब्राउन पीसेस दिखेंगे, वो ह्यूमस के होते हैं.
When the plants and animals die, their bodies decay and mix up with the soil decayed plants and animals present in the soil called humus. जो plants मर जाते हैं और animals मर जाते हैं, उनकी जो body रहती है वो mix हो जाती है soil में, उसको humus बोलते हैं. Humus बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होता है growth of plant में. What does soil water, soil contain? Soil contains some water. Activity to observe the moisture in the soil. आपको मॉइस्चर इन द सॉइल ऑब्जर्व करना है तो आपको एक जार लेना है, क्लोज इट विद लेट फॉर 15 मिनट के लिए, इसको छोड़ दीजिए. आप देखोगे तो इनर एंड साइड में, इनर पार्ट में जार में है ना, आपको सॉइल नज़र आएगा ऊपर. इस कंटेंस ऑफ वाटर, सॉइल कंटेंस हेयर, एक्टिविटी टू ऑब्जर्व इन सॉइल हेयर, पुट सम सॉइल इन कंटेनर, सो स्लोली पोर द वाटर ओवर द सॉइल इन ऑब्जर्व वाटर पोर, यू विल सी द बबल्स. अब जैसे सॉइल में वाटर डालेंगे तो उसमें देखना बबल्स आउट, आपको दिखाई बबल्स आते हुए बाहर दिखाई देंगे. यूजेस ऑफ सॉइल, इधर अपन पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सॉइल. प्लांट नीड टू सॉइल टू ग्रो, दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल, दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैनुअल. Crops grow soil well in fertile soil. Without soil, plants and would have no place to grow. If we have no plants, we should have nothing to eat. Soil is the home to many animals. Earthworm, beetles, ant and nation and some animals, they live in sub. सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है soil की plants को. अगर plants को soil नहीं मिलता है तो अपन कुछ crops उगेंगे नहीं, जैसे जो अपन खाते हैं तो अपन लोग भूखे रह जाएंगे, अपने लिए कुछ खाने नहीं होगा, धरती पे कुछ भी खाने नहीं होगा. और सॉइल जो होता है बहुत से एनिमल्स का घर भी होता है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, बीटल हो गया, स्नेल हो गया, आंट्स का घर होता है. जैसे अर्थवॉर्म इज लिविंग इन सॉइल, ही देखो अंदर रहते हैं. फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सॉइल. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.